आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने ओप्पो F25 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल का जो ईयर स्पीकर होता है ऊपर वाला ईयर स्पीकर अगर काम नहीं कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन में ईयर स्पीकर जो ऊपर की साइड में हम फोन को कान पे लगाते हैं ना, वाला ईयर स्पीकर अगर काम नहीं कर रहा था, इसके सोल्यूशन के लिए करने के, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन को जो है ना रीस्टार्ट एक बार कर लेना है, और अगला काम ये करना है मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे आपको जो है ना सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है, नीचे की साइड आपको ये सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में ना ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इस फाइल के ऐप में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है ऐप्स का, ऐप्स पे टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप पे टैप करना है। अब इस वाले पेज पे नीचे एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आपको ये स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपके कैच के सामने डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो ईयर स्पीकर होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता है क्या, उसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण ईयर स्पीकर काम नहीं करता है, ठीक है ना। अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन को आपको रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन होता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, आपका नीचे पेज आएगा, इसमें आपको इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा, और आपके मोबाइल फोन का जो ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है, आपके फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए, या आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर में चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके मोबाइल का ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए ना, मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए, ठीक है ना।